Everyone, today I am going to start the exercise 9.1. So, question number first we discuss here. Circus, the artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from a top of a vertical pole to the ground. कोई सर्कस का आर्टिस्ट है, he is climbing along the rope. That is the length is 20 meter. It means that ground से जो टॉप है पोल की उस पर टाई किया गया, राइट? सो एसी विल बी द एसी लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ रोप एंड दैट इज गिवन 20 मीटर. ओके, सो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. तो ये जो रोप है ये ग्राउंड पर ग्राउंड लेवल है, राइट? ये ग्राउंड लेवल, तो इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो हमें we have to find out here the top of vertical, we have to find out here the find the height of the pole. हमें क्या यहाँ पर पता करना है कि जो पोल है ए बी, तो यहाँ पर ए बी क्या है, हाइट ऑफ पोल. ये रोप है और पोल, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं या एच, एच मानते हैं. अब ध्यान से देखिए, ये आपका एच है, राइट? ये आपका 20 मीटर, तो यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको हाइपोटेन्यूज मिल रहा है और परपेंडिकुलर मिल रहा है. जो जो हमारे लिए यूजफुल होगा वी विल कंसीडर दोज पार्ट. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बिटवीन दिस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेसिकली हाइट है, इसको एच माना है. तो ए बी बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होना चाहिए. ये तो बेसिकली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आपको क्या मिलेगा, साइन. सो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एंगल विल बी एक्यूट एंगल सी एंड इट विल बी साइन सी. ओके, तो इसको हम किस तरह से हम राइट कर सकते हैं. ए बी की वैल्यू हमने एच अज्यूम की है, ए सी 20 मीटर है एंड ए सी एंड साइन सी, साइन सी मतलब साइन 30. अब आपको क्या करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल वैल्यूज थी, ठीक है, पर्टिकुलर एंगल के लिए जैसे साइन 30 या साइन 45, वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो. तो यहाँ से मुझे एच की वैल्यू कितनी मिलेगी, एच बाई 20 एंड 1/2, देन 2 से मैं 20 को कैंसिल करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, एच विल बी 10 मीटर. तो जो वर्टिकल पोल की जो हाइट है तो ये कितना आया, एच की वैल्यू 10 मीटर. तो इस तरीके से आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विद इट. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द. बेसिकली इट सेज दैट दिस इज द ट्री, राइट? एंड ड्यू टू द स्टॉर्म, राइट, इट ब्रोक, इट ब्रोक. सो द टॉप, द जो भी पार्ट जो टूटा हुआ है, द ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड. सो ट्री है, ये आपका ग्राउंड है, तो डेफिनेटली जब टूटा है तो ये ग्राउंड को टच करेगा. आपका इधर भी आ सकता है, ठीक है. अगर सपोज ये इधर आया, ये आप ट्री है, अगर इस साइड अगर ये आता है, ठीक है, बैंड पार्ट, तो ये इस तरह से आएगा, इधर जाएगा. तो यानी कि ये टच कर रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ टच कर रहा है, तो ये यहाँ पर ग्राउंड के साथ एक एंगल बना रहा है, ठीक है. और वो एंगल कितना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल, इज 30 डिग्री. सो दिस ब्रोकन पार्ट टचेज द ग्राउंड एट दिस पॉइंट. सो दिस इज द ए B and C, and it is the given that, right, the BC distance, this is the 8 meter, because it is given that, आपको ये given है का क्या है, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. So what is the distance between the foot of the tree and ओरिजिनल हाइट ऑफ दिस ट्री.
हाउ कैन वी फाइंड आउट? वी नो दैट दैट दिस दिस ब्रोकन पार्ट राइट दिस दिस ब्रोकन पार्ट विल बी इक्वल टू दिस ए सी. तो सपोज कीजिए ये आपका डी है, तो ये आपका जो ब्रोकन पार्ट है ये वाला, तो इसकी और इसकी लेंथ आपकी इक्वल होगी क्योंकि यही वाला तो पार्ट यहाँ टच कर रहा है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा. तो कहने का अर्थ है कि ए डी ब्रोकन पार्ट इक्वल टू ए सी. तो यहां से देखिए, यहां से देखिए हमें टोटल इसकी हाइट निकालनी थी. तो सबसे पहले हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, इसकी हाइट चाहिए. ठीक है, फिर हमें इस वाले की हाइट चाहिए. अगर ये वाला हमें मिल जाता है तो इसकी लेंथ इसकी इक्वल है. इन दोनों का हम फिर सम कर देंगे, कहने करते ए बी और ए डी को हम ऐड कर देंगे तो टोटल हमें हाइट मिल जाएगी. कैसे करते हैं, हमें सबसे पहले इस वाले ये वाला पोर्शन हमें चाहिए. तो ये आपको परपेंडिकुलर है और यहाँ पर क्या गिवन है आपको, बेस. तो परपेंडिकुलर और बेस अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर 10 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हम यूज करेंगे. तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ए बी बटे बी सी विल बी 10 सी. ए बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, हम अज्यूम करते हैं x, bc की वैल्यू है 8, तो 10c, 10 30. आपको ट्रायंगल लेनी है, देखनी है ट्रायंगल लेकर आपको ये देखना कि कौन कौन से पार्ट हमें यूज करना है, क्योंकि इस वाले पार्ट की अभी इस वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट है लेकिन अभी नहीं है. अभी सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट निकालना, आप ये भी निकाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ से हम करेंगे तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 8 मल्टीप्लाई ये रूट थ्री है, तो रूट थ्री 1/√3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. फाइनली x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 8/√3 राइट. अब हम क्या करेंगे, थर्टी डिग्री एंगल है, दिस इज द ब्रोकन पार्ट. सो वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस ब्रोकन पार्ट. एंड ये आपका ए बी आप निकाल चुके हो, ये आया 8/√3. अब इसको हमें निकालना, तो हम क्या करेंगे, ये 8 मीटर आपको गिवन है. अब आपको क्या है कि 8 मीटर ये बी सी और आपको ये निकालना, तो वो आपकी दो साइड जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा उन दोनों साइड के बीच में होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्यूट एंगल. ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सी दोनों जो साइड है वो कंसिडर करनी पड़ेगी, जो भी हमारे लिए यूजफुल होगी वो, क्योंकि हमें इसकी हाइट तो हम निकालनी नहीं है, इसकी हाइट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 8/√3 मीटर आया है, तो इसकी हमें नीड नहीं है. तो हमें इस और इस साइड की हमें रिक्वायरमेंट है, तो इन दोनों साइड के बीच का हम रेशियो निकालें. तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है आपका, क्योंकि एंगल ये वाला है, एंगल ये वाला है. तो यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस हमें मिल रहा है, तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, जरूरी नहीं है कि आप हाइपोटेन्यूज बाय बेस कीजिए, यहां से देखिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो आप लिखिए बेस, पहले लिखिए बेस क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, ए सी will be equal to किसका है फॉर्मूला है, cos का राइट. तो cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, एंगल कितना 30. तो यहाँ से देखिए बी सी की वैल्यू कितनी है, 8, ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की हम y मान लेते हैं, तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2. फाइनली आपको कितना मिलेगा, y की वैल्यू 16√3 16/√3 मिलेगा. अब देखिए y क्या है,
ये जो टूटा हुआ पार्ट था ये वाई है जो इसके इक्वल है, तो ये एक्स है ये वाई है सपोज कीजिए, तो टोटल हाइट कितनी मिलेगी हमें, टोटल हाइट हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 8/√3, तो 8/√3 प्लस वाई की वैल्यू कितने आया, 16/√3, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 24/√3। तो 24/√3 को मैं सोल्व करूंगा, टोटल हाइट इक्वल टू 24/√3, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका रैशनलाइजेशन करूंगा, तो √3 से मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट को, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 24/√3 एंड डिवाइड बाई 3, फाइनली मुझे कितना मिलेगा 8√3 मेरा आंसर।